सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 व्हाट्सएप ट्रिक्स। और हाँ, आज मैं आपको ऐसे भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी मैसेज को पढ़ भी लेते हो तो भी सामने वाले को डबल ब्लू टिक नहीं जाएगा, और वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सो लेट गेट स्टार्ट। आज जो हमारे फर्स्ट नंबर पर ट्रिक है वो है चैट टू होम स्क्रीन। सो इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट को आपके होम स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो, और साथ ही साथ लाने के बाद आप सिंपली यहाँ से उसके साथ चैट भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर जाना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड शॉर्टकट। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आप उस अकाउंट को आपके होम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे सेकंड ट्रिक की ओर, जो कि है फॉन्ट चेंजिंग। तो सिंपली आप चैट करते वक्त अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सिंपली अभी यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, मैसेज टाइप करने से पहले उन सिंबल्स को यूज करना है, और मैसेज टाइप हो जाने के बाद भी उन सिंबल्स को टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद वो मैसेज सिंपली बोल्ड इटैलिक मोनो स्पेस कन्वर्ट हो जाएगा, जो सिंपली आप उसे सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे ट्रिक के, जो कि है पर्टिकुलर वॉलपेपर फॉर पर्टिकुलर अकाउंट। काफी बड़ा नाम है। तो आपको तो ये पता ही होगा, आप व्हाट्सएप पर जब भी चैट करते हो आपका एक स्पेशल वॉलपेपर होता है, पर वो सभी के लिए कॉमन होता है। पर आप पर्टिकुलर अकाउंट के लिए पर्टिकुलर वॉलपेपर लगा सकते हो। सिंपली क्या करना है, जिस अकाउंट के ऊपर आपको दूसरा वॉलपेपर लगाना है उस अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और सिंपली वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सिंपली यहाँ से कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर के ट्रिक की ओर, जो कि है चैट आर्चू। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, इस ट्रिक से आप किसी भी अकाउंट को व्हाट्सएप के चैट से हाइड कर सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो सिंपली आपको जिस अकाउंट को हाइड कर देना है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कर देना है, और लॉन्ग प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन दिखा देते हैं, उसमें से एक ऑप्शन होता है आर्चिव। वो अकाउंट आपका सिंपली आर्चिव में चला जाएगा, और जब भी वो अकाउंट आपको मैसेज करेगा तो ऊपर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है आर्चिव 1, उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आप उस अकाउंट से चैट कर सकते हो। पर ये ट्रिक तभी काम करेगा जब इसका ओरिजिनल सेटिंग ऑन होगा। तो इसके ओरिजिनल सेटिंग को ऑन करने के लिए सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पर जाना है, उसके बाद चैट्स के ऊपर जाना है। चैट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कीप चैट्स आर्चू। अगर आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर देना है ताकि ये वर्क करे। अगर आपका ऑन है तो कोई बात नहीं, सिंपली बैक जाओ। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के ट्रिक की ओर, जो कि है एंटर इज सेंड। तो सिंपली आप आपके कीबोर्ड के ऊपर सेंड का बटन ला सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पे चैट के ऊपर जाना है, और चैट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है एंटर इज सेंड। तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद जैसे किसी को मैसेज करते हो तो यहाँ पे एक सेंड का बटन ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो आप यहाँ से उस मैसेज को सेंड कर सकते हो। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे सिक्स ट्रिक की ओर, जो की है चैट पिन। तो आपको तो ये पता है, अगर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो वो सबसे टॉप के ऊपर मैसेज होता है। सपोज एक बंदा और बी एक बंदा, तो ए वाले ने आपको मैसेज किया, उसके बाद बी वाले ने मैसेज किया, आपको टॉप के ऊपर तो बी वाले का मैसेज दिखेगा, पर आप ये चाहते हो ए वाला जब भी मैसेज करे वो मुझे टॉप पर दिखा दे, तो आप इसे कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे एक पिन का ऑप्शन होता है। पिन कर देने के बाद अब क्या होगा, जब भी आपको कोई मैसेज करेगा वो पिन अकाउंट के नीचे ही देखा लेगा। सो गाइस, बढ़ते आज के हमारे लास्ट ट्रिक की ओर, जो कि है 7th नंबर पर, जिसका नाम है रीड मैसेज विदाउट डबल ब्लू टिक। सो इस ट्रिक से क्या होने वाला है, आप किसी के मैसेज पढ़ भी लेते हो ना, फिर भी उसे डबल ब्लू टिक नहीं दिखा देगा, और वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन।
सिंपली आपको क्या करना है, होम स्क्रीन के ऊपर विजिट्स के ऊपर जाना है। अब मेरा विजिट्स तो इस टाइप का करने के बाद आ जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, विजिट्स में से व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको जब भी कोई मैसेज करेगा तो वो मैसेज आप सिंपली यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स में देख सकते हो। और साथ ही साथ इसने आपको मैसेज किया है उसको डबल ब्लूटिक नहीं जाएगा। बस ये ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर अकाउंट का आपको मैसेज नहीं दिखाई देगा जो कि आपने आर्चू किया है। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और गाइस इस प्रॉब्लम को यार सॉल्व कर देना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब किया है तो वीडियो देख लेना। और हाँ, उसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसे कमेंट कर देना, उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के एंड्रॉइड सॉल्यूशंस के वीडियो आप सबको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। सो मैं मिलूंगा आपको एक अगले न्यू वीडियो के साथ। ठीक है।